नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के नए अपडेट के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल से मई के बीच में पंचायत चुनाव होना है। इसमें 1,35,783 पदों और इतने ही निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि मतदाता सूची तैयारी को लेकर हर निर्वाचन क्षेत्र में दावा आपत्ति का काम चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद इसकी बिक्री का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भुगतान के बाद अधिकतम 5 कॉपी खरीदने की अनुमति मिलेगी। प्रत्याशियों को प्रति पेज 2 रुपये के दर से भुगतान करना होगा। सभी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या भी 8 से 10 लाख के करीब होती है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जिलों द्वारा 4 स्तर पर मतदाता सूची की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव में राज्यभर में 1,14,733 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र है। हर वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग मतदाता सूची होगी। वार्डवार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का उपयोग वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ ग्राम कचहरियों के पंच प्रत्याशियों के लिए भी उपयोगी होगा। इसी तरह से प्रदेश में 8,387 ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसकी अलग सूची तैयार की जा रही है। मुखिया और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी की गई मतदाता सूची उपयोगी होगी। प्रदेश में 11,497 पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र है। हर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग मतदाता सूची होगी। इसी सूची के आधार पर पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह उपयोगी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में 1,161 जिला परिषद क्षेत्र हैं। जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का लाभ जिला परिषद के अभ्यर्थियों द्वारा लिया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी स्तरों पर मतदाता सूची का बंटवारा करने के बाद उसका प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। 1 फरवरी तक दावा आपत्ति देने के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। बताते चले कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश भी दे दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि साल 2016 में हुए पंचायत चुनाव में राज्य में 1,19,000 बूथ बनाए गए थे। आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है, इसके लिए जिलों द्वारा आयोग के पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 2 मार्च 2021 तक किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बैलेट के सहारे की जाती थी और अलग अलग मतों पर मुहर लगाने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार बूथ पर मल्टी पोस्ट ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पत्र लिखकर आयोग को सूचित कर दिया है। ऐसे में यह पहली बार होगा जब बिहार में राज्य चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। बिहार और बिहार में जुड़ी हुई पंचायत चुनाव को लेकर और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।